अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निशीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब बनाने की रेसिपी। तो आइए देख ले, इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 kg मटन, इन्हें इस तरह छोटे टुकड़ों में काट ले। 1/2 cup चने की दाल, जिन्हें आधे घंटे पहले भिगो कर रखा है मैंने। 1/4 cup छोटे टुकड़ों में कटे हुए अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबल स्पून नमक। साबुत मसालों में मैंने लिया है 12 से 15 काली मिर्चें, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी हरी इलायची, 3 लौंग। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मटन, साथ ही डाल देंगे ये चने की दाल जिसे कि हमने भिगो कर रखा था। अब इसमें जाएंगे ये लहसुन, कटे हुए अदरक, यहीं पे हम डाल देंगे नमक और ये साबुत खड़े मसाले। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। ध्यान रहे पानी हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। अब एक मिक्स देंगे और लीड लगाकर हम इन्हें कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। हम इन्हें हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक कुक करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। 12 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कुकर के प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज होने देंगे। तो ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है। पानी आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसे हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। और ये देखें, अब ये अच्छी तरह गल भी गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। पानी हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से पीस लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ी साइज की बारीक कटी हुई प्याज, 1/3 कप हरा धनिया, इन्हें फाइनली चॉप कर ले, 1 अदद अंडा, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से पुदीने के पत्ते और आधे नींबू का रस निकाल ले। तो अब हम इन सारी चीजों को पीसी हुई मटन में डाल देंगे। ये कटी हुई प्याज, 1/3 कप हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, ये कटी हुई हरी मिर्चें, यहीं पे हम डाल देंगे नींबू का रस और अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये अंडे, साथ ही हम डाल देंगे नमक। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। फिर से हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इन्हें कबाबों का शेप देंगे। हथेलियों को हम चिकना कर लेंगे और एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम शेप देंगे। ठीक इसी तरह से हम बाकी के सारे कबाब बनाकर तैयार करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बनाकर तैयार किया है। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके अपने कबाबों को इसमें डालते जाएंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। 1.5 से 2 मिनट बाद हम इनकी साइड्स को बदलेंगे। साइड्स को बदल बदल कर हम इन्हें फ्राई करेंगे।
जब तक कि इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए, अब ये गोल्डन और क्रिस्प हो चुके हैं और ये हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही जायकेदार शामी कबाब बनकर तैयार है। आप इन्हें ईद की दावत में अपने मेहमानों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूले कि आपकी शामी कबाब कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।